19 निर्वाचन पई पद्म दलर फुल प्लान आंचलिक दल सह मेंट सहित घोषणा पत्र उपरे गुरुत्व देछि दल सेतिपाई लोकंक मतामत अनुसार बीजेपी प्रस्तुत करूछि घोषणा पत्र देशवासी कोन चाहूचंती ताहाको घोषणा पत्र रखिबाकु निष्पत्ति नेछि बीजेपी एहाकु आधार करि निर्वाचन रणांगण रे अवतीर्ण हेबो दल सारा देश रे पद्म फुटाइबाकु दम लगाई देछि बीजेपी सारा भारत बुलुची बीजेपी रो संकल्प रथ लोकंक मतामत निया जाउची एही यात्रा बेले जनतांकु बारटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंगरे प्रश्न करा जाउची ये सही बारटी प्रश्न जहाकु नै बीजेपी निजर घोषणा पत्र प्रस्तुत पई गठन करिछि सब कमिटी लोके कोन चाहुचंती ताहा एकाटी करी संकल्प पत्र समिति कु पठाइबो एही कमिटी कृषि संपर्कित सब कमिटी रो अध्यक्ष रहिछंती शिवराज सिंह चौहान स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण उपसमितर अध्यक्ष रही अरुण जेटली को अर्थव्यवस्था एवं उद्योग व्यापार अध्यक्ष रखाई गंगा एवं अयोध्या राम मंदिर सहित जड़ित सबकमिटर अध्यक्ष रही महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ भी इस बात को बखूबी समझता है कि 2014 की तरह 2019 में भी उनका सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी है अभियान का नाम कुछ भी रहे और उसे कैसे भी अंजाम तक पहुँचाया जाए लेकिन संघ और बीजेपी के लिए एक ही व्यक्ति का नाम गूंजता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत माता की लोकसभा निर्वाचन पर्यंत एही माहौल रखा चाहूँगी बीजेपी संकल्प यात्रा काश्मीर रे हेउ अथवा कन्याकुमारी रे भोपाल रे हेउ अबा अहमदाबाद रे सबुठी केवल प्रधानमंत्री मोदी ना ही शुणा मिले मोदी जी ने काम अधिक किया और मोदी जी को काम करना चाहिए लेकिन कोई माता लाल उन्हें उठाकर उनकी नियत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता नुआ नुआ निर्वाचन स्लोगान तैयारी करिवारे बीजेपी समस्तंक ठु आगरे प्रथमे अच्छा दिन आएंगे पुणी सबका साथ सबका विकास आउ एबे संकल्प यात्रा रे पुणी एक नुआ स्लोगान काम करे जो उम्मीद उसी से हो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी पूर्वक किया है पूरी तन्मयता के साथ किया है पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है और इसीलिए हम कह सकते हैं काम करे जो उम्मीद उसी से हो और उम्मीद की उसी प्राकाष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े केवल स्लोगान नुहे अभियान चलाए बारे भी बीजेपी माहिर संकल्प यात्रा आरंभ करि बीजेपी कांग्रेस ठारु बहुत आगरे रहिछि एबे आसंतु नजर पकाइबा कांग्रेस रो रणनीति उपरे 2019 मिशन को नै कांग्रेस किभलि चलाइछि रणनीति बीजेपी की संकल्प यात्रा के लिए सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी है लेकिन कांग्रेस फिलहाल किसी राष्ट्रव्यापी मुहिम के लिए जल्दबाजी करती हुई नजर नहीं आती है प्रियंका गांधी को राजनीति में उतार कर सबको हैरान करने वाली कांग्रेस अभी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है फेब्रुआरी 3 रो आरंभ होइतबा बीजेपी रा संकल्प यात्रा एक मास धरि चलिबो मार्च बेलकु निर्वाचन बिगुल बाजी सारिथिबो सेते बेलकु शेष होई जाइथिबो बीजेपी रा संकल्प यात्रा आ जनतांक सुपारिश कु नै प्रस्तुत हेबो घोषणा पत्र एहा सह निर्वाचन मैदान कु पूरा दम लगाई ओल्हाइबो बीजेपी बीजेपी रा मुकाबला करबा पई कांग्रेस कोनोसी प्रकार प्रस्तुति करथिबा भली नजर आसुनाही राहुल गांधीक सारा समय केवल मोदी को जवाब देबारे जाउछि प्रियंका गांधी को दलर महासचिव करिबा विरोधी को चमकाई देवा भली थिला किंतु राहुल को पूरा समय दलपाई एवं गुमाहा गठबंधन समीकरण को नहीं कटुची जहां जनापड़ी निर्वाचन को नहीं कांग्रेस एबे भी पूरा मात्रा रे प्रस्तुत हुई नहीं बीजेपी साल के 12 महीने एक चुनावी मोड में रहती है एक चुनाव खत्म होता है हम देखते हैं कि कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ अमित शाह ने तुरंत अपना वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर वो राजस्थान चले गए और राजस्थान के चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद तुरंत लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई थी अभियान को नहीं निर्वाचन जिणी हुए ना प्रसंग को नहीं यहाँ रही लोकों का भिन्न भिन्न मत
ହେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ରହିଛି ରାଫେଲ, ନୋଟବନ୍ଦୀ, ବେକାରୀ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ। मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। क्लियरली वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस। सो इट्स वेरी क्लियर, इट्स द ट्रूथ हैज कम आउट। थैंक यू। असल में कांग्रेस का रोम रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली। कह जाउची दिल्ली रे जेउ अशोका होटल रु बीजेपी संकल्प यात्रा अभियान आरंभ होइतिला सेथिरे प्रथम प्रस्ताव राम मंदिर निर्माण उपरे थिला। इथरु स्पष्ट जणा पडुचि जे एथरो लोकसभा निर्वाचन प्रचार केउ प्रसंग रे हेबो। सेपटे 11 तारिख रे उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रियंका निज अभियान आरंभ करि दैछन्ती। इथरु मते स्पष्ट हेउचि जे चलित थर कडा मुकाबला हेबो। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ରଥ ଜରିଆରେ ନିଜର କବର କଷୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନେଇ ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।